हाँ तो भाई, आज एक लड़का आया मेरे पास। वो उसकी रिमोट वाली कार टूट गई थी। अब छोटा सा बच्चा था, प्यारी सी स्माइल देखी मैंने। तो वैसे तो मैं काम नहीं करता ये खिलौनों का, लेकिन अब प्यार से रिक्वेस्ट करने लगा तो बड़ा ही मन के साथ मैंने रिपेयरिंग शुरू कर दी। अब भाई, बच्चे का दिल रखने के लिए करना तो था। अब इसकी क्या प्रॉब्लम थी, इसकी कार मैंने खोला तो इसकी कार को खोलने के बाद मैंने देखा कि इसकी चार्जिंग नहीं हो रही। दोस्तों, चार्जिंग की जो पिन थी वो ख़राब हो गई थी, डैमेज हो गई थी। अब जो जिस टाइप की इसमें पिन दी हुई थी ना, चाइना पिन थी, तो दोस्तों बाज़ार में अवेलेबल ही नहीं थी। तो अब उसका सलूशन क्या था, अब सलूशन ये था कि भाई हमको एक्स्ट्रा चपटी पिन वाली जो चार्जर में रहती है वो सॉकेट लगाना था हमको, तो चार्जिंग वाली सॉकेट लगानी पड़ी हमको। तो भैया, अब उसके लिए मजबूती से कहीं अपन को लगाना था, तो हमने सोचा कि भाई इस कार के पीछे साइड इस टाइप से छेद करके हमने निकाल ली लीड। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये वाली चपटी पिन वाली सॉकेट मैंने निकाल दी जिससे कि चार्ज हो जाए। अब चार्ज की पिन तो मैंने ये गड्ढा करके निकाल दी थी आर पार। तो भाई, बच्चे का काम होना चाहिए, बच्चे को संतुष्टि मिलनी चाहिए, उसकी कार चार्ज हो जाए। रिमोट कंट्रोल्ड कार थी ये, तो बच्चा अब बार बार तो ख़रीदेगा नहीं। तो उसने बोला कि भैया, आप रिक्वेस्ट करता हूँ आप बना दें। तो भाई, अब तो तितली सी भाषा में बोला तो मनी आ गया कि बना दें। तो चलो फिर, इसकी चपटी पिन का चार्जर की लीड लगा दी हमने, और जिससे वो कोई भी चार्जर को लगाएगा और आराम से चार्ज कर लेगा तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मुझे एक्स्ट्रा चार्जर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इसका सिंपली ये हेडफोन वाली वायर होती है जो मजबूत होती है, काफ़ी मजबूत होती है दोस्तों, तो हमने उससे कनेक्शन किया। क्योंकि उस वायर से अगर कनेक्शन करेंगे ना तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो भैया, हमने ये कनेक्शन करने की सोच ली। अब कनेक्शन हम कर देते हैं इसका। अब ये कनेक्शन हमने ज्वाइंट कर रहे हैं दोस्तों, ये ज्वाइंट करना है तो ज्वाइंट कर देते हैं। तो भाई, ये टांका भी आसानी से लग नहीं रहा है, पेस्ट की कमी है शायद, पेस्ट लगा लेते हैं, बार बार निकल जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसको रंगा अच्छे से लगा लेते हैं, फिर इसके बाद लगाएंगे पेस्ट। लगाने के बाद तो सही रहेगा। तो भाई, मैंने इस चीज़ को एक बात बता दूं कि इसकी जो कार थी, रिमोट कंट्रोल कार, इसमें चार्जिंग की दिक्कत थी, बाकी इसमें ऑन भी नहीं हो रही थी। ठीक है, चार्जिंग प्लस ऑन, मैंने चार्ज बनाया ना इसका, तो चार्ज बनाने के बाद ये ऑन भी नहीं हो रही थी। तो फिर इसकी बटन का भी सोल्यूशन करना पड़ा मुझे, बाकी मैं आपको दिखा नहीं पाया, बटन वाली वीडियो नहीं बना पाया। बाकी देखिए, ये जो चार्जिंग पिन है इसकी, वो मैंने कनेक्ट कर दी है। अब कनेक्ट कर दी है तो अब इसका ढक्कन लगाने की बारी है। ढक्कन लगा देते हैं अपन, और ढक्कन लगाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, बटन भी मैंने कर दिया है, बना दिया, रिपेयर कर दिया। जैसे जैसे वो कार बनती जा रही थी तो वैसे वैसे बच्चा खुश होता जा रहा था। मैं बच्चे को साइड दे रहा, भैया कितनी जल्दी बन जाएगी, बार बार वो पूछ रहा था, भैया कितने देर और लगेगी, बन जाएगी भैया। तो बार बार मैं उसको बताया कि नहीं, बन जाएगी। फिर मैं टेप से इसकी चिपका दिया, क्योंकि बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा था भैया कि बना दो। तो मैंने उसकी मजबूती लाने के लिए इसमें टेप भी लगा दिया जिससे कि वो चार्जिंग पिन हिले और हिल के ख़राब ना हो जाए। तो मैंने ऐसा सिस्टम बना दिया इसमें, और बनाने के बाद कार को पैक करने के लगा। अब इसमें जो वायर आपस में टच ना हो जाए, इसलिए हम एक और टेप लगा देते हैं इसमें, जैसे कि वायर दूर दूर रहे और आपस में टच ना हो, तो ये हम लगा देते हैं। ठीक है, तो बच्चे का कार जो रही वो हमने बना दी, अच्छे से रिपेयर कर दी। और भाई, मैं बताऊं, इसकी कार रिपेयर करने में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। बाकी जो इसकी स्माइल रही बच्चे की, और वो उसकी खुशी, मन से जो खुशी कि वो चला पाएगा दोबारा, उसे लग रहा था कि नहीं बनेगी। तो भाई, मैंने मेरे से बच्चे ने पूछा कि भैया आप कितना पैसे लोगे, तो मैंने बोला, यार मैं बोला कि क्या बोलूँ इसको, बच्चे को मेरा मन तो बिल्कुल नहीं लेने का मन था, लेकिन मैंने उससे बोला कि छोटू तेरे पास जितने हो तू दे सकता है। तो भाई, मैंने ले ली उससे, मेरे को लेने का मन नहीं था, लेकिन मैंने उसको बोल दिया, और उल्टा उसका जितना उसने दिया था उसका मैंने आधा उसको वापस भी कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए थे। बच्चे की दुआएं जो होती हैं वही बहुत काफ़ी होती हैं। और मैंने इसकी सेल लगाने की बारी आ गई, सेल लगा के दिखाता हूँ आपको। तो सेल इसका लगाऊंगा और ऑन करके दिखाऊंगा आपको, तो ऑन हो जाएगी।
दोस्तों इसकी गाड़ी हमने तैयार कर दी और नट कसने की बारी आ गई। नट कस देते हैं अब इसमें, नट कसने के बाद इसको देना भी है तो दे देंगे। भाई बच्चे ने बहुत गौर गौर से देख रहा था मेरे को कि कैसे भैया बन जाएगी, 500 बार पूछा भाई उसने। तो मैंने उसको समझाया कि नहीं बिट्टू तेरे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा काम। तो तब जाके वो शांत हुआ। बच्चों के लिए खिलौना जो होता है वो उनका दिल से लगा हुआ टुकड़ा होता है, और जो बच्चे होते हैं उसको उनके हम लोगों के लिए, हम लोग बड़े हो गए ना तो हम लोगों के लिए वो खिलौना ही है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो बहुत कुछ होता है। खिलौना उनकी आत्मीय भाव से जुड़ा होता है, हर एक चीज़ होती है ना, बहुत सारी चीज़ होती है उसके अंदर। तो भाई इसलिए बच्चा परेशान था, मैंने उसकी परेशानी को समझ के सॉल्व किया उसकी प्रॉब्लम को। फाइनली नट कसने के बाद देखिए ऑन वाली बटन ये कर दी हमने ऑन। ऑन वाली बटन करने के बाद अब इसमें बैटरी लगा रहे हैं अपन, और बैटरी लगाने के बाद इसको ऑन करके दिखाएंगे आप, ठीक है। तो देखिए ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ये हो गई है हमारी गाड़ी ऑन, ये बैटरी लगाने के बाद ऑन हो चुकी है इस टाइप से। तो फाइनली बच्चे को हमने गाड़ी ऑन करके दी, बच्चा बहुत खुश था और बहुत खुशी का ठिकाना नहीं था, और मुझे भी अच्छा लगा उसकी हेल्प करके, बहुत अच्छा लगा। ऐसा कभी कभी करने में मज़ा ही आता है।